नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसी दो अनसुनी धार्मिक कहानियाँ जानेंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। हम धीरे धीरे अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो काफ़ी गलत है। हमारी संस्कृति कल भी उतनी अच्छी थी जितनी अच्छी ये आज है। अपने हिंदू संस्कृति को ही बढ़ावा देने के क्रम में हम आपके लिए ये दो पुरानी रहस्यमयी पौराणिक कथाएँ लेकर आए हैं, जो काफ़ी रोचक और धार्मिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों कहानियों के बारे में बताती हूँ। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, देवों के देव महादेव को तो आप जानते ही होंगे, उनकी शक्ति और मोह से कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव को एक बार घड़ियाल का रूप देना पड़ा था? सर्वशक्तिमान महादेव को क्यों एक तुच्छ प्राणी का रूप लेना पड़ा? सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक, जिसका ना ही आदि है और ना ही कोई अंत है, भोलेनाथ शंभुनाथ महादेव जैसे नाम से जाने वाले महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें मगरमच्छ का रूप लेकर पानी में जाना पड़ा? तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको भगवान शिव जी के इस रहस्यमयी रोचक कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव एक बार पर्वत पर तपस्या करने में लीन थे। तभी देवतागण मिलकर अचानक से उनकी प्रार्थना करने लगे। देवतागण माता पार्वती की अनुशंसा को लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए वे स्वयं इसका उपाय ढूंढने में लग गए। वो क्या समस्या थी और देवतागण उनके पास क्यों गए? दोस्तों, आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती की ये दशा देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से आराधना करने लगे कि उनकी प्रार्थना को पूरा किया जाए। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाएं। भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते? ऐसा करने पर माता पार्वती भी तो नाराज हो जाती। वे इसी सोच में डूबे थे कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। महादेव ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने महादेव से शादी करने के फैसले के बारे में माता पार्वती जी से पूछा, परंतु फिर भी पार्वती महादेव का गुणगान करते थक नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान हैं, उन्हीं में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्तऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनवाए, परंतु देवी पार्वती अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं करेंगी। इसके पश्चात सप्तऋषि वहां से लौट आए और पूरी कहानी महादेव को बता दी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शादी से पहले सभी वर अपनी भावी अर्धांगिनी को लेकर सभी संदेहों को दूर करना चाहते हैं, इसमें महादेव भी पीछे नहीं रहे। ऐसे में उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी तालाब के किनारे एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरा देखकर वो बालक शोर मचाने लगा। वो जोर जोर से मगरमच्छ मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए किसी से सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उनसे नहीं रहा गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब के किनारे जा पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ा हुआ है और वो उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और बच्चा कहने लगा, हे माता, मेरी जान को खतरा है, यदि आप चाहोगे तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी ना तो मेरी माता है और ना ही पिता है, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए माता। देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया। उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए।
बदले आपको जो चाहिए आप वो मुझसे मांग सकते हैं। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक शर्त पर इसको छोड़ सकता हूँ, आपने तपस्या करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है यदि आप उस तपस्या का फल मुझे दे देंगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने मगरमच्छ की इस शर्त को मान लिया और कहा कि इस बालक को आपको शीघ्र ही छोड़ना होगा। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि अपने इस फैसले पर विचार कर लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी वचन ना दीजिए, क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से तपस्या की है वो देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राण के लिए मत गवाइए। फिर पार्वती जी ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप इस बालक को मुक्त कर दीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से अपनी तपस्या दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान मगरमच्छ को दिया, मगरमच्छ का शरीर तेजी से चमकने लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए आपके तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है, फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक मौका देता हूँ। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इसे निगल गए तो क्या इसका जीवन वापस मिलेगा। इस पर मगरमच्छ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते ही देखते वो लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ गायब हो गए, लेकिन पार्वती जी ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वो बात पर विचार करने लगी कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान दे दिया, फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण किया। वो तपस्या करने के लिए तैयारी करने लगी कि अचानक महादेव उनके सामने आकर प्रकट हो गए और वो कहने लगे कि हे देवी, आप तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपको स्वामी रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, ऐसे में मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसके जवाब में महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की जान बचाई, इन दोनों रूपों में मैं ही था। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्वकार हूँ। यह मेरी ही लीला थी। मैं ये देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई। तो महादेव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं, आप में दया और करुणा दोनों हैं। अब तो आपको और तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। ये सुनकर माता पार्वती अच्छी प्रसन्न हुई। इसके बाद माता पार्वती और भगवान महादेव का विवाह हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार भगवान शिव ने घड़ियाल बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली तथा उनके साथ विवाह करके उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना दिया। इस कहानी के द्वारा हम भगवान शिव की वो शक्ति तथा वो रूप देख सकते हैं जो मुख्यतः ग्रंथों में नहीं मिलता। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।